उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनता दिख रहा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने जेपी सेंटर पहुंचे थे। वो सेंटर के अंदर जाना चाहते थे, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। प्रशासन अखिलेश यादव को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखा। अखिलेश यादव को 1090 चौराहे पर रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से यातायात पुलिस ने डायवर्जन कर दिया। कोई भी वाहन इस चौराहे से गांधी सेतु होते हुए जेपी सेंटर के आगे उद्यान चौराहे तक नहीं जा सके। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश की हो। वह पिछले साल भी जयप्रकाश नारायण सेंटर पहुंचे थे। उन्हें उस दौरान भी सेंटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस दौरान वह दीवार फांदकर अंदर चले गए थे। अखिलेश यादव की तरफ से उनके निजी सचिव गंगाराम ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन मांगी थी। गंगाराम ने ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर को चिट्ठी लिखकर अखिलेश के 11 अक्टूबर को JPNIC जाने की जानकारी दी थी। हालांकि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर परमिशन देने से इनकार कर दिया था। अथॉरिटी की ओर से कहा गया था कि वहां आधा अधूरा निर्माण है, इसलिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने JPNIC के किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी है। अखिलेश यादव को जब पता चला कि टीन शेड लगाकर JPNIC के गेट को ढका जा रहा है, तो 10 अक्टूबर रात 9:33 पर उन्होंने पहला ट्वीट किया। फिर रात 11:30 बजे अखिलेश खुद JPNIC पहुंच गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि JPNIC को बेचने की साजिश की जा रही है। उन्हें जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि देने से कैसे रोका जा सकता है? तय कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे जेपी सेंटर जाना था, लेकिन वह गुरुवार रात करीब 11:15 बजे ही वहाँ पहुँच गए। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जिस समय अखिलेश यादव जेपी सेंटर पहुंचे, उस दौरान उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को रोके जाने पर जमकर विरोध भी किया था। रात में जब अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण सेंटर में जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्होंने वहां से ही एक वीडियो सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। गुरुवार की रात जब अखिलेश यादव किसी को कुछ बताए बगैर जेपी सेंटर पहुंचे थे, तो वहां हलचल मच गई थी। प्रशासन को लगा कि कहीं अखिलेश यादव पिछली बार की तरह ही दीवार फांदकर सेंटर के अंदर ना चले जाएं। हालांकि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब अखिलेश यादव सेंटर के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने वहां देखा कि कुछ मजदूर टीन की शेड पर भवन निर्माणाधीन के लिए लिख रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि क्या हम भी पेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं ने तुरंत ही लिख दिया। इसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने अखिलेश यादव से कहा कि टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपा रही होगी। टीन शेड आखिर है क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान करने क्यों नहीं दे रही है, और वो भी समाजवादी पार्टी के महान नेता जेपी की जयंती पर? यह पहली बार नहीं हो रहा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जेपी ने संपूर्ण क्रांति की थी, कहीं ये भवन किसी को बेचने की तैयारी तो नहीं कर रहे? अगर सरकार नहीं चल रही है तो बेच दें, ज्यादा अच्छा होगा। सुबह वाला कार्यक्रम सुबह तय किया जाएगा, कितने दिन तक सरकार रास्ता रोकेगी ये देखेंगे। आइए जानते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में लखनऊ में होटल ताज के पास जयप्रकाश इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला हुआ था। तय हुआ था कि 2017 के चुनाव से पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसे बनाने का ठेका जिस शालीमार कंपनी को दिया गया है, उसके चेयरमैन बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ हैं। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही JPNIC का काम रोक दिया गया था। आरोप लगा था कि इसे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ न्यूज़ प्लस।